हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th मैथ NCERT का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि अभी हम लोग प्रश्नावली 4.4 में पढ़ाई कर रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि प्रश्नावली 1.1 से लेकर के प्रश्नावली 4.3 तक के सभी क्वेश्चन को हम हल कर चुके हैं। तो जो लोग अभी तक इस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह सभी वीडियो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि पिछले क्लास में हम प्रश्नावली 4.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन का तीनों जो है हम हल कर चुके हैं। तो आज हम सबसे पहले प्रश्नावली 4.4 का जो है दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन देखने वाले हैं और दोनों क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, और इस क्वेश्चन को तो आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा और दोनों क्वेश्चन को जरूर जो है आप लोग सीखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए जो है यहाँ पर हम लोग जो है देखते हैं जो दूसरा क्वेश्चन, इसको पहले सॉल्व करते हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का निशान आएगा उस पर क्लिक करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है दो नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि आखिर आपको निकालना क्या है। बोला जा रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। कितना हो? दो बराबर मूल हो। दो समीकरण यहां पर आप दिया गया, आपको देख सकते हैं कि एक और दो। अब इसमें खासियत क्या है, इस बातों को समझिए। समीकरण जो हुआ करता था इस तरह का हुआ करता था, मान लीजिए 5x² प्लस 3x और प्लस 4 बराबर 0। इसमें केवल x ही होता था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x तो है ही है, इसके साथ k भी है, k यहाँ पर 3 है, जिस तो 3 के जगह पर आप देख सकते हैं कि k है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि एक ही वेरिएबल हुआ करता था, एक ही वेरिएबल मतलब एक ही जो है अचर संख्या हुआ करता था, या तो x या y। यहाँ पर एक x और एक k है, तो इसी k का मान निकालना। और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि kx और ये x है, मतलब k और x दो अचर संख्या दे दिया गया है, तो जिसमें आपको क्या करना है, k का मान निकालना है। और स्थिति क्या दिया गया है, कंडीशन क्या है कि ये जो दोनों समीकरण हैं, इस दोनों का जो मूल होगा वो कैसा होगा, दो बराबर मूल होगा। दो बराबर मूल कब होता है यह आप सभी को हम बता के आए हैं। आपको हम बताए हैं कि किसी भी समीकरण के अगर d का मान जीरो रहे, d का मान अगर जीरो होता है तो उसका दो बराबर मूल होता है, मतलब दोनों मूल जो है बराबर होगा, मतलब एक जैसा होगा। यह पहले भी हम आपको बता के आए हुए हैं। तो चलिए k का मान कैसे निकालेंगे, इस पर जो है चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन जब आप हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको सेम टू सेम आप लिख लेंगे। तो समीकरण क्या है, 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। kx प्लस 3 बराबर क्या है, 0 है। इसमें आपको क्या करना है, a b c का मान लिख लेना है। तो लिखेंगे यहां, यहां a का मान आपके पास देख सकते हैं कि 2 है। a का मान यहां पर कितना है, 2 है, क्योंकि x² के साथ जो गुणा के रूप में होता है उसी को a कहते हैं। फिर यहाँ पर दूसरा जो है b का मान आप देख सकते हैं कि k है, क्योंकि x के साथ गुणा के रूप में जो रहेगा वही b होता है। तो x के साथ क्या चीज है, तो k है। तो b का मान यहाँ पर आप क्या लेकर के चलेंगे, हमेशा k। एवं c, तो एवं c का मान यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि c का मान यहाँ 3 है, तो c का मान 3 यहाँ पर आप क्या करेंगे, लिख देंगे। तो a b c का मान लिख लिए। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो बराबर मूल होंगे इस समीकरण का। तो लिखेंगे दी गई समीकरणों के, इस तरह से लिखेंगे, एक स्टेटमेंट हम यहां पर लिखेंगे, दी गई समीकरण का, दी गई समीकरण का दो बराबर मूल होगा, दो बराबर मूल होगा, मूल होगा। आप सभी को हम बता करके आए हैं कि दो बराबर मूल कब होता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा है कि दी गई समीकरणों समीकरण का दो बराबर मूल होगा यदि 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 यदि
डी बराबर जीरो हो, ये बात आप सभी जानते हैं। यदि क्या हो जाए, टी बराबर जीरो हो, आप सभी इतना बात जानते हैं। क्वेश्चन में बोल दिया गया कि ये जो समीकरण है इसका दो बराबर मूल होगा, और हम जानते हैं कि दी गई समीकरण का मतलब किसी भी समीकरण का दो बराबर मूल कब होता है, यदि क्या हो, डी का मान जीरो हो। तो ये जो डी बराबर जीरो है, इस समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए डी का मान जो है, डी का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है। सिंपल, सबसे सिंपल तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। इस आप अलग अलग तरीका देखे होंगे, अलग अलग मेथड देखे होंगे, लेकिन इस मेथड से आप जल्दी समझ पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम करते क्या है, डी बराबर जीरो या एक समीकरण आपको मिला, तो डी का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस फोर ए सी होता है, और बराबर में आपको क्या ले लेना है, जीरो लेना है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बराबर में क्या लिया गया है, जीरो लिया गया है। अब आप इसी को सॉल्व करेंगे, आपको के का मान आसानी से मिल जाएगा। तो बी का वैल्यू डालना है, तो बी का मान आप देख सकते हैं कि के है, तो के का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस होगा, चार गुने ए, तो ए का मान आप देख सकते हैं कि आपके पास दो है, और गुने सी, तो सी का मान आप देख सकते हैं कि तीन है, तो दो गुने तीन हो जाएगा, और बराबर में आपको क्या लेना है, तो जीरो लेना है। ठीक है, चलिए हम हल्का जो है आगे बढ़ जाते हैं, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ सके। चलिए यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, तो देख सकते हैं आप, ये जो k है इसको k स्क्वायर है, k स्क्वायर लिखिए, माइनस है तो माइनस, चार दुना आठ, और आठ त्रिक होता है चौबीस, आठ त्रिक कितना होता है, चौबीस होता है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, चौबीस लिखेंगे, और बराबर में क्या लिखेंगे, तो जीरो लिखेंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सो देखिए, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखिए के तरफ से जब आप k के ऊपर से जब आप स्क्वायर हटाएंगे, तो देखिए स्क्वायर हटाने से पहले एक काम हम करते हैं, इधर स्क्वायर रहने देते हैं, और माइनस चौबीस को दाहिने भेजेंगे, तो ये हो जाएगा प्लस चौबीस। ठीक है, अब अगले स्टेप में आपको क्या कर लेना है, स्क्वायर हटा लेना है, तो k बराबर, जैसे बाएं से आप स्क्वायर हटाते हैं, दाहिने में लग जाएगा रूट, तो ये क्या हो जाएगा, रूट चौबीस हो जाएगा। और आपको हम बता दें कि रूट चौबीस को आप क्या करेंगे, सो समझिए, यहाँ पर देखिए के बराबर चौबीस को आप क्या लिख सकते हैं, इस बातों को ध्यान से देखिए, 24 को आप लिख सकते हैं दो गुने दो गुने छ, क्योंकि दो दुना चार और चार छक्के हो जाएगा 24। अब क्या होगा, इस बातों को समझिए, देखिए ये k तो बाएं में रख लीजिए, k बराबर ये दो जो दो है उसमें से एक दो बाहर आ जाएगा, आप सभी जानते हैं कि रूट के अंदर जिसका जोड़ा लग जाता है उसमें से एक बाहर हो जाता है, और जब कभी भी रूट का मान आएगा तो प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा, तो प्लस माइनस रूट, और अंदर में क्या लिखेंगे, तो छ लिखेंगे, प्लस माइनस दो रूट छ, के का आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप देख सके कि के का किस तरह से सिंपली आप जो है के बराबर प्लस माइनस दो रूट छ आप आसानी से क्या कर पाए हैं, निकाल पाए हैं। ठीक है, इस तरह से आप भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे इसके दूसरे क्वेश्चन को, दूसरा क्वेश्चन इससे भी काफी अच्छा है और काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो उसको बनाने में और भी आपको ज्यादा क्या होगा, ज्यादा कंसेप्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन को, देखते हैं मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए, अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप जो है हमारे दोनों मोबाइल ऐप को, मैट्रिक के लिए दो मोबाइल ऐप है, दोनों को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको अलग अलग जो है मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अलग अलग स्टडी मटेरियल्स जो है मिलेगा, पीडीएफ आपको सभी सब्जेक्ट का जो है मिल जाएगा, तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। जो लोग डाउनलोड करके रखे हैं वो जानते होंगे कि आखिर आपको हमारे मोबाइल ऐप में क्या क्या सुविधाएं दिया गया है। चलिए अब हम इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दूसरा का दूसरा सॉल्व करने जा रहे हैं, तो हम किसको हल करने जा रहे हैं, दूसरा को हल करने जा रहे हैं, तो इस सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, जो भी समीकरण दिया गया है उसको लिखेंगे, समीकरण क्या है, के एक्स, क्या लिखा गया है, के एक्स इंटू एक्स माइनस दो, एक्स माइनस दो और प्लस छ बराबर जीरो, प्लस छ बराबर जीरो आपको दिया गया है। अब इसमें ये जो के दिख रहा है, इसी के का मान निकालना है, कंडीशन क्या है कि ये जो समीकरण है उसका दो बराबर मूल होगा, इस कंडीशन पर आप के का मान क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले आप गौर से देखिए, तो क्या यह द्विघात समीकरण अभी दिखने में लग रहा है, नहीं, तो इसको सबसे पहले हम द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करेंगे, के एक्स को जब आप एक्स से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, क्या होगा, के एक्स स्क्वायर हो जाएगा,
और फिर के एक्स को जब आप माइनस दो से गुना करते हैं तो माइनस दो के एक्स होगा और ये प्लस छ है, तो प्लस छ आप सेम टू सेम लिख लेंगे बराबर जीरो। अब यह एक कंप्लीट द्विघात समीकरण आपको मिल गया। अब यहां पर हम ए बी सी का क्या करेंगे, मान लिखेंगे। तो लिखेंगे यहां यहां ए बराबर, तो ए का मान एक्स एक्स स्क्वायर के साथ के है तो के हो जाएगा। बी का मान आप देख सकते हैं कि एक्स के साथ गुना के रूप में क्या है, माइनस दो के है, तो माइनस दो के आपका हो जाएगा बी का मान। एवं सी, एवं सी का मान आप जो है देख सकते हैं कि क्या है आपके पास, तो सी का मान है छ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे छ। ए बी और सी का मान आप लिख लेंगे। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसका दो बराबर मूल होगा, मतलब दोनों एक ही जैसा मूल होगा। तो दोनों एक ही जैसा मूल कब होता है, तो लिखेंगे दी गई समीकरण का, दी गई समीकरण का, समीकरण का दो बराबर मूल होगा, दो बराबर मूल होगा कब होगा आप जानते हैं, दो बराबर मूल होगा यदि, यदि क्या हो जाए, यदि d बराबर जीरो हो। सभी जानते हैं d बराबर जीरो होता है तभी आपको क्या मिलता है, तो दो बराबर मूल मिलता है। अब d बराबर जीरो इसी समीकरण को आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। d का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, और बराबर में क्या ले लेना है आपको, जीरो ले लेना है, ठीक है, बराबर में आपको ले लेना है जीरो। अब आप इसी समीकरण में बी ए सी का मान रखेंगे तो आपको जो है के का मान आसानी से क्या होगा, मिल जाएगा। तो चलिए जो है यहाँ पर कैसे आप लोग जो है इसमें इसको सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो बी है, बी का मान आप देख सकते हैं कि माइनस दो के है, तो यहाँ पर माइनस दो के लिख लेंगे, माइनस दो के, और इसका कर लेना आपको स्क्वायर, स्क्वायर करना है। ये माइनस है तो माइनस लेंगे, फिर चार है तो चार लेंगे, और गुने ए करना है तो ए का मान आप देख सकते हैं कि के है, तो यहाँ पर ए का मान के ले लेंगे और गुने सी करेंगे, ठीक है। तो सी का मान छ है तो यहाँ पर आप ले लेंगे छ, और बराबर में ले लेना आपको जीरो। तो आप हो गया होगा कैसे, देखिए माइनस दो का स्क्वायर होगा चार, और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर, यानी कि चार के स्क्वायर, ये कितना हो गया आपके पास, तो ये हो गया चार के स्क्वायर, और माइनस चार छक्के होगा चौबीस, चार छक्के चौबीस होगा, के को गुना करेंगे चौबीस से तो हो जाएगा आपके पास चौबीस के, चौबीस के होगा, और बराबर में क्या हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा जीरो। अब चलिए इस समीकरण को आगे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, और सिंपली आप के का मान निकाल पाएंगे। यहाँ पर आप जब गौर से देखेंगे तो यह आपको दिख रहा होगा कि चार से ये भी कट जाएगा, चार से ये भी कट जाएगा, तो चार कॉमन यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो चार कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, के स्क्वायर बचेगा, ठीक है, के स्क्वायर, और माइनस चार छक्के चौबीस होता है तो छ के, कितना छ के बराबर आपको मिलेगा जीरो। फिर आप क्या करेंगे, तो ये चार को आप दाहिने भेजेंगे तो जीरो के नीचे जाएगा, और जीरो के नीचे जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, ये जो है, या फिर आप इसको जो है इस टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर बातों को समझेंगे, यहाँ पर आप चार के कॉमन नहीं लीजिए, सॉरी चार कॉमन नहीं लीजिए, चार के लीजिए कॉमन, क्योंकि दोनों जगहों पर आपको के दिख रहा है, यहाँ भी के और यहाँ भी के। तो हम करते क्या है, चार के कॉमन लेते हैं, कितना लेते हैं चार के, चार के कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, केवल के बच जाएगा आपको, और ये माइनस है तो माइनस बचेगा, और चार से चौबीस में भाग देंगे तो छ होगा, और के से यह के क्या होगा, कट जाएगा, और बराबर में क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है, चार के और एक है छ माइनस, सॉरी के माइनस छ, ये दो आपको गुणनखंड है, तो चार के को एक बार आप जीरो के बराबर कीजिए, और दूसरी तरफ के माइनस छ को जीरो के बराबर कीजिए, तो इधर आपको क्या मिलेगा, तो के बराबर, इधर आपको के बराबर, जब इस चार को जीरो के नीचे भेजेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और इधर आपको के बराबर प्लस छ मिलेगा, क्योंकि माइनस छ जाएगा दाहिने तो क्या हो जाएगा, प्लस छ हो जाएगा। इस तरह से आपको के का
अतः यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि k बराबर दो वैल्यू आपको मिला, एक 0 और एक 6, आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। k का दो मान इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ जाते हैं आगे। इस टाइप से इस दोनों क्वेश्चन में आप जो है k का मान क्या कर सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। तो दो क्वेश्चन आपने क्या किया, कंप्लीट किया। दो नंबर जो क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन उसमें दोनों को कंप्लीट किया। अब हम बढ़ते हैं तीसरा जो इसका क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपके सामने क्वेश्चन शो हो रहा होगा, दिख गया होगा आपको क्वेश्चन। एक सेकेंड आप क्वेश्चन पढ़िए। चलिए अब हम आपको समझाते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस चीजों को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में दिया गया कि यदि बोला गया क्या एक ऐसी आम की बगिया मिस बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो, लंबाई चौड़ाई से दो गुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। यहाँ पर मान लेते हैं कि ये आम का बगिया है, ठीक है। इस टाइप का आम का बगिया मतलब बगीचा है, और ये होगा लंबाई और ये होगा चौड़ाई। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दो गुना है, चौड़ाई से दो गुना है। तो हम मान लेते हैं कि चौड़ाई एक्स है तो लंबाई क्या हो जाएगा, तो इसका दो गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x। तो और क्वेश्चन में आगे बोला है उसका क्षेत्रफल जो है वो है 800 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल आपको क्या दे दिया गया है, 800 मीटर स्क्वायर दे दिया गया है। तो इस स्थिति में आपको इस बगीचे का लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम किए क्या है, क्वेश्चन को हमने आपको फिगर के मदद से समझाया। अब इसको रिटर्न मेथड से हम क्या करेंगे, आपको समझाते हैं। यहाँ पर बोला गया कि क्या आम का बगिया मतलब बगीचा बनाना संभव है जिसका लंबाई चौड़ाई से क्या हो, दो गुना हो। तो हमने चौड़ाई मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि इसका दो गुना लेना है और क्षेत्रफल तो डायरेक्ट दिया ही गया है। तो चलिए अब इसको आप रिटर्न वे में कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसमें हम चर्चा करते हैं। तो जब आप इसे हल करने के लिए जाएंगे तो सबसे फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखना है, देखिए जो निकालना होता उसी को हम लोग मानते हैं, ठीक है। तो आपको लंबाई और चौड़ाई निकालना है तो लिखेंगे, माना कि बगिया की, या फिर आम की बगिया भी कह सकते हैं, आम की बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर है। लिखेंगे माना कि आम की बगिया का चौड़ाई, ठीक है। पहले हम क्या लेंगे, चौड़ाई, आपकी बगिया का चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने क्या मान लिया, x मीटर, बगिया का चौड़ाई क्या मान लिया हम, x मीटर। इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए लंबाई बराबर क्या होगा, ठीक है। तो इसीलिए लंबाई बराबर क्या होगा, यह आपको क्या करना है, बताना है, x मीटर है, ये क्या है, x मीटर। लिखेंगे इसीलिए लंबाई बराबर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से दो गुना है, तो दो गुना है मतलब चौड़ाई x है, तो इसका दो गुना क्या हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। यह क्या कितना हो जाएगा, 2x मीटर हो जाएगा। तो आपने चौड़ाई मान लिया x और लंबाई मान लिया 2x, और प्रश्न में बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, तो 800 मीटर स्क्वायर है। तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से क्या बोला जा रहा है कि क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है। लिखेंगे प्रश्न से क्षेत्रफल बराबर क्या है, तो 800 मीटर स्क्वायर है। तो अभी मीटर स्क्वायर को आगे भी हम लिख सकते हैं। और ये क्षेत्रफल है किसका, ये जो क्षेत्रफल है किसका, ये बगीचे का क्षेत्रफल है।
और बगीचा देख सकते हैं कि लंबाई कुछ और है, चौड़ाई कुछ और है, इसका मतलब ये आयत है। बगीचा किस तरह का है? आयत के जैसा है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई कितना है? तो 2x है। क्षेत्रफल जब आप निकालने के लिए जाएंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई करेंगे तो लंबाई 2x है, और गुने चौड़ाई करेंगे तो चौड़ाई देख सकते हैं कि x है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिख दिया, लंबाई गुने चौड़ाई और बराबर कितना है, तो ये 800 है। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो 2xx² हो जाएगा, कितना होगा, 2xx² हो जाएगा। 2x को जब आप 2x से गुना करते हैं 2xx² हो जाएगा, इधर आपको मिलेगा 800। इधर क्या मिल रहा है आपको? 800 मिल रहा है। तो इस स्थिति में आपको करना क्या है, इस स्थिति में आप देख सकते हैं इस 2 से आप 800 को काटेंगे, 2 से 800 को काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आप इधर देख पा रहे हैं कि इधर क्या बचा आपको, xx² बचा, और दाहिने में क्या बचा, 400 बचा। दाहिने में क्या बचा, 400 आपको क्या हो रहा है, बच रहा है। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, हम यहां पर ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। आप नीचे लिख लीजिएगा, हम यहां पर सॉल्व कर देते हैं ताकि एक साथ आपको सारा चीज दिख सके। चलिए यहां पर ही हम लिख देते हैं। देखिए यहां पर आप एक्स के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे तो दाहिने क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो x बराबर रूट अंडर 400, रूट अंडर क्या मिलेगा आपको, 400 मिलेगा। और आपको पता होना चाहिए कि रूट 400 को आप लिख सकते हैं 20 गुने 20 लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको x बराबर मिल गया कितना, 20 मिला, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। तो लिखेंगे अतः चौड़ाई बराबर। तो चौड़ाई आप देख सकते हैं कि आपने माना था चौड़ाई कितना है, तो x है, तो चौड़ाई x था, तो x का मान आप निकाले हैं 20, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20 मीटर। चौड़ाई हो गया 20 मीटर एवं लंबाई, एवं दूसरा बात क्या निकालना है आपको, तो लंबाई निकालना है। क्या निकालना है, लंबाई निकालना, हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं लंबाई। यहाँ पर आप याद रखिएगा ये मीटर है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम कारण मिट रहा है, और ये 2x मीटर है, ये 2x मीटर है। और यहाँ पर जब आप क्या निकालते हैं, लंबाई निकालते हैं, तो लंबाई का फार्मूला आप क्या लिखे, कितना माने थे, 2x माने थे। 2x का मतलब है आप क्या करेंगे, 2 को x से गुना करेंगे, तो x का मान आपके पास है 20, तो 2 × 20 कर देंगे, तो यहाँ पर 2 × 20 यानी कि मिल जाएगा आपको 40 मीटर। 40 मीटर यहाँ पर आपका फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया था कि लंबाई जो है वो चौड़ाई से 2 गुना है, तो यहाँ पर आप सिद्ध भी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लंबाई है 40 और चौड़ाई आपको मिला है 20, तो 2 गुना हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, और जो लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और एलजीआर स्टडी देखते रहिए।